पर इससे ज़्यादा टेस्ट मैंने देखा नहीं किसी का। मेन चीज़ यही है, सारा स्वाद खट्टा मीठा इसका ही है जो है। दूध खस्ता कचौड़ी, ये मुझे उसे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी मैंने कहा। सो व्हाट्स अप फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडशूड मेनिया। तो गाइज़ आज हम आपके सामने कृष्णा नगर आ चुके हैं और गाइज़ हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने ना यहाँ पर एक कचौड़ी वाला देखा। आप यहाँ पर एक बार देखिए, भोला शंकर कचौड़ी वाले। वैसे तो गाइज़ हमने जितना सुना है ये यहाँ पर देखा भी है, खस्ता कचौड़ी देते हैं, लेकिन कुछ तो देखो अलग चीज़ हमें यहाँ पर लग रही है। जब हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखा, फ़ोटो में भी आपने देखा ही होगा, तो हमारे अंदर भी देखो जिज्ञासा हुई जानने की कि खस्ता कचौड़ी तो हर जगह मिलता है, आप कहीं भी खा सकते हैं, तो ऐसा क्या यहाँ पर टेस्ट मिलता है या क्या एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ है जो इस चीज़ को गाइस बहुत ही स्पेशल बनाती है। तो चलिए एक बार सीधा आपकी ओनर से बात करवाते हैं, कुछ कस्टमर रिव्यूज़ लेते हैं और आपको इनकी मेकिंग दिखाएंगे। आइए एक बार। तो दोस्तों ये है यहाँ के करता धरता, ये इन्हीं की शॉप है। तो चलिए इनसे इनका नाम पूछते और बताते हैं आपको सब कुछ। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश है। तो सर कितने टाइम से लगा रहे हैं आप ये? ये 1960 से चल रही है, हमारे पिताजी के टाइम से। अच्छा, तो सर सबसे पुरानी दुकान अपनी कहाँ पर होगी? शाहदरा छोटा विहार। शाहदरा छोटा विहार में। तो सर यहाँ पर अपने को कितना टाइम हो गया? यहाँ भी एक साल हो गया। अच्छा, तो सर यहाँ पर अपने जो कस्टमर्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं यहाँ पर आके खाना? सर यहाँ मीठी चटनी पसंद आती है सबको। सबको मीठी चटनी पसंद आती है। तो क्या क्या मिला के आप मीठी चटनी बनाते हैं? सर इसमें हमारे फूड भी हैं और वैसे भी है अमचूर वगैरह, चीनी, मसाले। अच्छा, ये सब मिला के चटनी बनाते हैं। तो सर डेली आप फ्रेश बनाते हैं, बच भी जाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं होगा ना? सर मेरी तीन ब्रांचें हैं। अच्छा, एक ये है, एक छोटा बाज़ार है और एक वैशाली है। अच्छा, डेली चटनी बनती है और डेली उनके पास जाती है। अच्छा अच्छा, तो भाई सब कुछ यहाँ पर फ्रेश बनता है और चटनी देखो अगर फ्रेश मिल जाए ना तो भाई उससे अच्छे तो देखो बात ही नहीं हो सकती। और इनकी तीन दुकानें हैं तो भाई मतलब ही नहीं बनता बचने का। हमें तो ऐसा लग रहा है सर कमी पड़ जाती होगी बेशक से। नहीं, हमारे पास कम पड़ जाती है, 6 बजे तक हम अपना काम बंद कर देते हैं हर हाल में। अच्छा, 6 बजे तक बंद हो जाता है? हाँ, क्योंकि ग्राहक उससे मांगता है तो उस टाइम तो हमारा माल ही नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर टाइमिंग्स क्या रहती है? हमारी 11 से 6 रहती है। वो सर 7 डेज ओपन है? हाँ जी सर, 7 डेज ओपन है। तो चलिए दोस्तों हम भी इनसे बनवाते हैं अपनी कचौड़ी और आपको जल्दी से ना टेस्ट के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों कुछ कस्टमर रिव्यूज़ लेते हैं यहाँ की कचौड़ी की। हम तो पहली बार आए हैं तो भैया से भी पूछते हैं ये पहली बार आए हैं या आते रहते हैं। तो सर अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। तो सर आप बताइए, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या आते रहते हैं आप यहाँ पर? नहीं, मैं आया तो पहली बार हूँ, बट बहुत लोगों से सुना था। अच्छा। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं चल के जो है। तो सर कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट है। बहुत सबसे अच्छा क्या लगा सर फिर आपको कचौड़ी में? सारा ही बढ़िया है, कचौड़ी के अंदर सारी ड्राई फ्रूट्स है, मतलब अच्छा लगता है, चटनी बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा, तो सर बार बार आएंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, अब इधर से जब भी आना होगा तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो है यहाँ पे आए और खा के जाए। तो दोस्तों इतना अच्छा हमें रिव्यू मिला है ना तो देखो हमसे भी रहा नहीं जा रहा है, तो लेकिन चलिए आपके लिए एक और रिव्यू लेते हैं हम। ये हमारे सर यहाँ पर हैं, आइए सर। सर अपना नाम बताइए। नीरज नाम है भैया। नीरज नाम है। तो सर आप भी यहाँ पर पहली बार आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम भैया। तो सर आपको कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा, अमेजिंग टेस्ट था, मतलब डिलीशियस था टेस्ट तो। बहुत खाई तो कचौड़ी कई जगह है पर इसका कुछ अलग ही स्वाद था। अच्छा, तो सर क्या डिफरेंट लगा आपको अभी यहाँ पर? सबसे बढ़िया तो इनकी चटनी अच्छी लगी, केले की चटनी। अच्छा, ऊपर से इन्होंने जो फ्रूट्स डाले हुए उसमें बहुत अच्छे थे वो भी। ऐसे मतलब कचौड़ी मैंने कई जगह खाई, चांदनी चौक में भी खाई है। अच्छा, पर इससे ज़्यादा टेस्ट मैंने देखा नहीं किसी का। अच्छा, तो सर बार बार आना चाहेंगे यहाँ पर या वन टाइम है ये? नहीं बिल्कुल आना चाहेंगे, ऑलवेज आना चाहेंगे, इससे बढ़िया मतलब कचौड़ी मैंने देखी नहीं किसी की। अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, अभी तो पेट मतलब फुल हो गया है, नेक्स्ट टाइम ड्राई फ्रूट कचौड़ी चेक करेंगे इनकी। अच्छा, कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखो हमें दो इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले तो अब हमें भी लग रहा है कि यहाँ का टेस्ट ना अति उत्तम क्या अति से अति उत्तम होने वाला है। तो चलिए हम भी इनकी दोनों टेस्ट करते हैं फिर आपको रिव्यू देते हैं इनका। कचौड़ पत्ता लिया, तो ये देखिए दोस्तों अपना लगने जा रहा है छोले कचौड़े का एक पत्ता। इसमें हमने एक कचौड़ी ली है, ये दोस्तों ये है अपनी खस्ता कचौड़ी है। ये देखिए आप क्रंच की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कितनी खस्ता है ये कचौड़ी अपनी। ये अपना मिक्स है छोले टमाटर आलू धनिया नींबू मसाले। ये देखिए गाइस कितना और ये अच्छा है खट्टी चटनी। और ये गाइस इनकी खट्टी चटनी है सारी मीठी चटनी। सर मीठी चटनी में सर क्या क्या डाला हुआ है अपना? इसमें है केला है, अंगूर है, अनार है। अच्छा, ये हमारी सबसे मेन चीज़ यही है, सारा स्वाद खट्टा मीठा इसका ही है जो है। अच्छा सर, जितना भी मतलब आपका स्वाद है खट्टा मीठा का सारा अपने ये फ्रूट वाली जो चटनी आप ऑफर करते हैं इसी चीज़ का है बस। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ आप देखो ये हमें पत्ते में मिली है, कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं होता, कोई थर्माकोल पेपर कुछ भी यूज़ नहीं है। तो चलिए अभी आप एक और स्पेशल कचौड़ी लगवाते हैं फिर दोनों का आपको टेस्ट बताएंगे। गाइस अब अपनी दूसरी ले रहे हैं हम, ड्राई फ्रूट वाली कचौड़ी लेंगे। आप देखिए एक बार क्रंची आवाज़ सुनिए गाइस, कितनी खस्ता कचौड़ी है, कितनी क्रंची कचौड़ी है।
इसमें भी गाइज ये अपना डलेगा छोले का मिक्स, छोले टमाटर का मिक्स डलेगा इसमें, छोले टमाटर आलू धनिया नींबू, अच्छा आलू धनिया नींबू सब चीज़ का गाइज इसमें अपना मिक्स डलेगा। ये चटनी किस चीज़ से बनी हुई है अपनी? ये अमचूर की चटनी है धनिया पुदीने के साथ, ये अमचूर की चटनी है मगर इसमें प्लस चीनी मिली हुई है। अच्छा चीनी थोड़ी, ये 100 ग्राम अमचूर में 25 तो चीनी है। अच्छा और सारा स्वाद इसी का है, सारा स्वाद बस इसी चटनी का है। क्या और सर जो आप ये बॉक्स यूज़ करो प्लास्टिक का या किस चीज़ का है ये बॉक्स? ये गत्ते का है सर। तो गाइस प्लास्टिक की यहाँ पर चीज़ ही यूज़ नहीं होती है जो सबसे अच्छी बात है आज के टाइम में। चलिए गाइस अब इसके ऊपर स्पेशल चीज़ आपको दिखाएंगे क्या क्या डलेगी। और ये सर कौन सी क्या चीज़ है? ये मगज है, ये मगज के सीड्स हैं गाइस, ये देखिए आप, ये अनार है, ये इसके ऊपर गाइस अनार बिल्कुल एकदम फ्रूट से लपालप, ये इसमें काजू, ये गाइस इसमें थोड़े से कटे हुए अपने काजू, और ये चलिए तैयार हो चुके हैं। अब दोनों चीज़ों की आपको ना टेस्टिंग बताते हैं। तो गाइस हमारे दोनों डिशेज लग चुकी हैं। तो गाइस आपने खस्ता कचौड़ी तो बहुत जगह खाई होगी, लेकिन आपने जो इनकी चटनी है, जो ड्राई जो फ्रूट की चटनी है, ऐसी चटनी है आपने तो शायद सुनी होगी, कभी कभी मिली होगी खस्ता कचौड़ी के साथ। तो चलिए चटनी टेस्ट कर बताते हैं और आपको दिखाते हैं चटनी में बहन का डाल रखा है। बिरयानी ऊपर में अनार डाल रखे हैं, केला है, छोले अच्छे क्वांटिटी में है, उन्होंने लग रहा चटनी एकदम बहुत ही रिच है। तो चलिए टेस्ट कर बताते हैं कैसी है। हाथ से तोड़ ले कोई बात नहीं, जैसी चीज़ है ये तो इतनी आई हाथ से तोड़ने में, अच्छी तरीके से तोड़ो हाथ से आप। हमने चटनी और दोनों ली है, चलो टेस्ट करते हैं इसको। मैं टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे स्पेशली इस बात में चाहिए चटनी है एकदम बहुत ही मीठी है, अच्छा टेस्ट आ रहा है। जो मैंने फ्रूट की चटनी डाली फ्रूट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। हमने लेते हैं फ्रूट भी टेस्ट कर लेते हैं साथ में चटनी का, और अच्छे तरीके से आ जाएगा चटनी कैसी है। चटनी वो सब भाई तू भी टेस्ट करके देख, पहले दूसरी भी ट्राई कर फिर करता हूं मैं। चलिए अपनी बीच में हम भूल के थोड़ा टॉपिक से हट गए, दूसरी चीज़ टेस्ट करते हैं अपनी हम ड्राई फ्रूट खस्ता कचौड़ी। ये मुझे उसे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैंने काजू भी डाल रहे थे एकदम अच्छी क्वांटिटी में, वो शायद एक खरबूजे के बीज लग रहे हैं, किस चीज़ के हैं ये? खरबूजे के बीज है ये, खरबूजे के, वाह खरबूजे के बीज है, अनार डाल रखे हैं भाई, मुझे तो नहीं जा रहा, टेस्ट कर बताता हूँ फटाफट। ऑसम टेस्ट है इसका, जो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है, और बहन जो मीठी चटनी है भैया की स्पेशल यहाँ पर जो मीठी चटनी हमें सुनी है भैया की, जो मीठी चटनी है उसके साथ बहुत और अच्छा टेस्ट बढ़ी रहा है। तो कहा कि मस्त है चीज़, आप यहाँ पर आइए कृष्ण नगर मार्केट में आइए, आप इनका देख सकते हैं, भैया का नाम है भोला शंकर कचौड़ी वाले, और स्पेशली आएंगे छोटे बाजार शाहदरा के मशहूर हैं ये, और भैया ने यहाँ पर कृष्ण नगर में ब्रांच खोली, अब आप देख सकते हो ऊपर भोले शंकर कचौड़ी वाले भैया, स्विगी जोमेटो हर जगह है, इंस्टाइल पे भैया का नंबर है, यूट्यूब पे भैया की बहुत वीडियोस बनी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ गाइस आप आइए टेस्ट करिए, आप आइए अपने दोस्तों को लेके आइए, या आप शॉपिंग करने आ रहे हैं अगर खाइए टेस्ट करिए। हम फिनिश करते हैं, मैं तो भाई सारी खाजमाल हूँ अभी, फिनिश करते हैं और हमको हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।